यहाँ से हम देखते हैं कि इसके लेयर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये फाइल ओपन कर ली है। इसके अंदर यहाँ से हम एक टूल लेंगे जिसका नाम है पैड बकेट टूल। तो यहाँ पे 2 सेकंड किसी भी टूल पे आप दबा के रखेंगे तो उसके अंदर जो भी टूल्स होंगे वो नजर आएंगे। पैड बकेट टूल लेंगे, ये हमारा फोरग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है। फोरग्राउंड कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी कलर लेंगे, इसे हम कहते हैं कलर सेलेक्टर। और ये हमारा कलर स्लाइडर है, सेलेक्टर से क्लिक किया कलर यहाँ बनेगा, उस कलर का कोड हमें यहाँ नजर आएगा, क्लिक करेंगे ओके। पैंड बकेट टूल लेंगे, जिस लेयर पे कलर भरना है उस पर क्लिक करेंगे, इस पर अप्लाई हो जाएगा। दूसरी लेयर पे कलर भरना है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से दूसरा कोई कलर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से क्लिक करके ओके करेंगे, उस लेयर पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, इस पर अप्लाई हो जाएगा। तीसरी लेयर पे क्लिक करना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से लेके कलर तीसरा कलर लेंगे, ओके करेंगे। अब ये तीनों लेयर पे कलर मौजूद हैं लेकिन नजर वो आएगा जो सबसे टॉप पर होगा, इसे हम कहते हैं लेयर ऑर्डर। अगर इस लेयर को पकड़ के इसके नीचे कर देंगे तो ये नजर आएगा, इसको पकड़ के इसके नीचे कर देंगे ये नजर आएगा, इसको नीचे कर देंगे ये नजर आएगा। तो जो भी लेयर का ऑर्डर होगा जो सबसे टॉप पर होगा वो नजर आएगा। फिर एक चीज होती है विजिबली और इनविजिबल। इस लेयर पर से क्लिक हटाएंगे इनविजिबल हो जाएगा तो नीचे वाला नजर आएगा, इस पर से हटाएंगे इनविजिबल हो जाएगा तो नीचे वाला नजर आएगा, फिर इस पर से क्लिक हटाएंगे इनविजिबल हो जाएगा तो ट्रांसपेरेंट नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ से आप उसको विजिबल कर सकते हैं जैसे चाहें, फिर कलर्स के लेयर्स के नाम भी रख सकते हैं। डबल क्लिक कर दें, यहाँ पे इसका क्या नाम है इस जगह पे, तो यहाँ पे आपने इसका रेड, और यहाँ पे हमने रख दिया इसका सपोज टू बी ग्रीन, और इसका यहाँ पे रख दिया सपोज टू बी हमने ब्लू। ठीक है, तो ये हमने 3 लेयर्स के नाम रख दिए। अब उसके बाद जो है यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये से आगे पीछे मूव होता रहेगा। ठीक है, अब ये तो रहा है मूव। तो अब अगर हमें मुकम्मल तौर पर मूव करना है तो हम क्लिक करेंगे लेयर पे, और यहाँ से हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है मूव टूल। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए ये टूल हमें ज़रूर इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो कैसे क्लिक करेंगे, इस पर फाइल पर, इस पर मूव टूल पे क्लिक करेंगे, इस लेयर पे क्लिक करेंगे और इस तरह से इसको आगे पीछे कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और इसको भी क्लिक करेंगे और उसको भी मूव कर सकते हैं। तो ये देखें एक पैटर्न इस तरह का बन गया। इसको एक दूसरा पैटर्न बनाना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको उठा के हमने इस तरह से कर दिया तो ये एक और पैटर्न बन गया। और अगर उठा के इसको इस तरह से यहाँ पे रख लिया है और इस ग्रीन वाले को पकड़ के हमने यहाँ से उठा के यहाँ रख लिया है तो ये एक दूसरा पैटर्न बन गया है। इस तरह से जिस पैटर्न में चाहें हम इसको रख सकते हैं। समहाउ टेक्स्ट को लिखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट का टूल लेंगे। इसमें 4 किस्म के टेक्स्ट हैं। यहाँ से आपने लेना है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। जैसे टेक्स्ट लेंगे तो यहाँ से फॉन्ट और यहाँ पे उसका साइज और यहाँ से उसका कलर एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्लिक करके तो टेक्स्ट की अलग लेयर बनेगी, इसका नाम टेक्स्ट लेयर होगा। उसमें हम लिखते हैं एडोब फोटोशॉप। लिखने के बाद हमने यहाँ से क्लिक किया, डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके इसका कलर चेंज किया, क्लिक किया, यहाँ से क्लिक करके इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा किया, क्लिक किया, मूव टूल लिया, ये आप एडिटिंग से बाहर आ गए। टेक्स्ट लेयर पे क्लिक किया और यहाँ से उठा के इसको आपने यहाँ पे इजीली रख लिया। फिर आपने दोबारा टेक्स्ट लेयर लिया, क्लिक किया यहाँ पे और यहाँ पे लिखा क्लास 01। ठीक है, तो क्लास 01 लिखना था हमें इसके अंदर, तो क्लास लिख दिया हमने। और लिखने के बाद इसका कलर थोड़ा चेंज करना सेलेक्ट किया, यहाँ से इसका कलर हमने थोड़ा सा चेंज किया, क्लिक करके इसको क्लिक किया और यहाँ से मूव टूल लिया, मूव टूल लेके हमने इसको यहाँ पे इस तरह से रख दिया और यहाँ से क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद फौरन से यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके हमने अपने टेक्स्ट को चेंज करना है तो कौन सा टेक्स्ट चाहिए, हमने यहाँ से वर्दाना ले लिया और यहाँ से इसके साइज को थोड़ा सा और बढ़ा दिया और यहाँ से इसके कलर को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लिखा हमने 01 और यहाँ पे क्लिक करके लिख दिया ठीक है क्लास 01। और ये थोड़ा सा कलर हमें ब्लू चाहिए था, सिलेक्ट करा हमने यहाँ से और उसको ब्लू कलर दे दिया और उसको क्लिक करके ओके कर दिया और यहाँ पे उठा के हमने इसको यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे रख दिया। इंट्रोडक्शन सिलेक्ट ऑल कर लिया, यहाँ पे फॉन्ट कौन सा सही रहेगा, वाइट सही रहेगा, क्लिक कर लिया, इस फॉन्ट को यहाँ से बोल्ड और इटैलिक कर लिया और यहाँ पे क्लिक करके फॉन्ट को फिर से अपना अपडेट कर लिया। तो कौन सा फॉन्ट चाहिए हमें इसके अंदर, यहाँ से हमने लिया है सपोज टू बी ये वाला फॉन्ट चाहिए या फिर कोई और फॉन्ट चाहिए, जैसे हमें क्लिक कर लिया और इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा कम करना है तो टेक्स्ट टूल ले लिया, यहाँ से क्लिक करके इसके फॉन्ट को यहाँ से कम कर दिया ठीक है। और इस पर मूव टूल लिया और यहाँ पे उठा के इसके यहाँ पे रख दिया। अगर फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से क्लिक करके इसका फॉन्ट फिर से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ठीक है, अब यहाँ से मूव टूल ले लें, फाइल में जाएं, सेव कर लें अपनी फाइल को।
देखिए अब जिसको भी आपने मूव करना है उस लेयर पे पहले क्लिक करना है, मूव टूल लेना है, पहले लेयर पे क्लिक करना है, फिर उसको मूव करना है जितना भी मूव करना चाह रहे हैं आप उसको, फिर दूसरी को अगर मूव करना है तो उस पर क्लिक करना है और फिर मूव टूल से उसको मूव करना है। जिस टेक्स्ट को मूव करना है उसकी लेयर पे क्लिक करना है, पहले उसको मूव करना है, ठीक है, समझ में आ रही बात। और जिसको विजिबल इनविजिबल करना है वो इस तरह से यहाँ से विजिबल और इनविजिबल कर सकते हैं। फाइल को सेव कर दें और कर दें। अब टेक्स्ट को अगर एडिट करना है तो उस टेक्स्ट की लेयर पे पहले क्लिक करना है, टेक्स्ट का टूल लेना है और फिर जाके उस टेक्स्ट को यहाँ से जैसा चाहें आप एडिट कर सकते हैं जो आपको सही लगे। ठीक है, वेदर किसी तरह का भी एडिट आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फोटोशॉप में अपनी फर्स्ट फाइल बना के सेव कर सकते हैं और इनके डिफरेंट टूल्स को यूज करके लेयर्स के कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। जिस लेयर को डिलीट करना है यहाँ क्लिक करके डिलीट कर दें, वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। गलती हो जाए तो आप उसको यहाँ से जाके अंडू भी कर सकते हैं ताकि वो वापस से आ जाए।